शाम हो चली थी, लगभग 6:30 बजे थे। वही होटल, वही किनारे वाली टेबल और वही मैं चाय की चुस्की ले रहा था। इतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9-10 साल की लड़की को लेकर बैठ गया। उस आदमी की शर्ट फटी हुई थी, ऊपर के 2 बटन गायब थे, पैंट भी मैली ही थी। कपड़ों से वो दिहाड़ी मजदूर जैसा प्रतीत हो रहा था। लड़की की फ्रॉक धुली हुई थी और उसने बालों में वेणी भी लगाई हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत आनंदित था और वो बड़ी उत्सुकता से पूरे होटल को इधर उधर से देख रही थी। उनके टेबल के ऊपर ही चल रहे पंखे को भी वो बार बार देख रही थी, जो उनको ठंडी हवा दे रहा था। बैठने के लिए गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर वो और भी प्रसन्न दिख रही थी। उसी समय वेटर ने 2 स्वच्छ गिलासों में ठंडा पानी उनके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की प्रसन्नता और बढ़ गई। और तुमको? वेटर ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस आदमी ने कहा। कुछ ही समय में गर्मा गर्म बड़े वाला फूला हुआ डोसा आ गया, साथ में चटनी सांबर भी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो उसकी ओर उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फोन बजा, वही पुराना वाला फोन। उसके मित्र का फोन आया था। वो उसे बता रहा था कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल में आया है। वो बता रहा था कि उसने अपनी लड़की को कहा था कि यदि वो अपने स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आएगी तो वो उसे उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा, और वो अब डोसा खा रही है। नहीं रे, हम दोनों कैसे खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मैंने 8 दिन में कटौती करके डोसा के पैसे जुटाए हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ डोसा। तुम तो जानते हो, रोज का करना, रोज का खाना। किसी दिन काम नहीं मिला तो पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है। मेरे लिए घर में नमक भात बन रखा है ना। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण मुझे गर्म चाय का चटका लगा और मैं वास्तविकता में लौटा। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें एक डोसा के लिए हफ्तों मेंटेन करना पड़ता है। हम लोग हजारों रुपए फिजूल खर्ची में फूंक देते हैं। पिता कैसा भी हो, अमीर या गरीब, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए और कहा कि उस आदमी को एक और डोसा दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उससे कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी, आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वो स्कूल में अच्छे नंबर लाई है, इसलिए होटल की ओर से ये तुम्हारी लड़की के लिए इनाम। उससे आगे चलकर इससे भी अच्छी पढ़ाई करने को बोलना, परंतु भूल कर भी मुफ्त शब्द का उपयोग मत करना, उस पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कराया और बोला कि ये बिटिया और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी महसूस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। और मैनेजर ने धीरे से वेटर से कहा कि इस बिटिया के लिए शानदार एक जोड़ी ड्रेस लाओ, उनकी आव भगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता हड़बड़ा गया और बोला कि मैंने एक ही डोसा बोला था। तब मैनेजर ने कहा कि अरे, तुम्हारी लड़की स्कूल में अच्छे नंबर लाई है, इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों को डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आईं और उसने अपनी लड़की से कहा, देखा बेटी, ऐसे ही पढ़ाई करेगी तो देख क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे ये डोसा बांध कर मिल सकता है, यदि मैं इसे घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे, उसे ऐसा खाने को कभी नहीं मिलता, वो बहुत खुश हो जाएगी। जी नहीं श्रीमान, आप अपना डोसा यहीं पर खाइए। ऐसा सुनते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। मैनेजर ने कहा, आपके घर के लिए मैंने 3 डोसे और मिठाइयों का 1 पैक अलग से बनवाया है, आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाइएगा, और मिठाइयां इतनी हैं कि आप पूरे मोहल्ले को बांट सकते हो, और ये ड्रेस मेरी तरफ से बिटिया रानी को, अच्छे नंबर लाने के कारण गिफ्ट है। पिता पुत्री ऐसे खुश हो गए मानो जैसे 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई हो। पिता गदगद हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये सब सुनकर मेरी आंखें भी खुशी से भर आईं। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि जहां चाह है वहां राह है। अच्छे काम के लिए आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए, सैकड़ों हाथ मदद को आगे आ जाते हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, दुनिया में रिश्तों की डोर भी कोई चीज है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक,
और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।